नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आज का आप लोगों का दिन बहुत ही बेस्ट रहा होगा, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये तो सभी लोगों को पता है कि तैयारी आप लोगों को करते रहना है, ताकि आप लोग सी टेट पहली बार में ही क्लियर कर लें, ताकि दोबारा बैठना ना पड़े। तो आज की जो क्लास चलेगी अधिगम अक्षमता से चलेंगे, जितने भी प्रश्न हैं अधिगम अक्षमता से उन सभी को क्लियर कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटने न पाए। तो चलिए आ जाइए जल्दी से आ जाइए। और सभी लोगों को पता है कि अधिगम अक्षमता, जो अधिगम अक्षमता से प्रश्न बनते हैं सी टेट में टेट में, वो लगभग 3 से 4 नंबर के बनते हैं। हिंदी में भी आएगा अधिगम अक्षमता, यहाँ तक कि पर्यावरण में भी आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बाल मनोविज्ञान में भी आपके अधिगम अक्षमता से प्रश्न बनते हैं। तो उन सभी को देखते हुए आज की जो क्लास चलाई जा रही है अधिगम अक्षमता से, लगभग आप लोगों को 3 से 4 नंबर एकदम पूरे के पूरे मिलेंगे। तो चलिए आ जाइए जल्दी से आ जाइए। 7 बजे की क्लास नहीं चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, लेकिन 9 बजे की क्लास आप लोगों को चल रही है। जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही क्या करिए, शेयर भी कर दीजिए। जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। चलिए देखते हैं जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को। देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करा है। आज ये सभी लोग आ जाइए, क्योंकि आज के क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चलने वाली है। अधिगम अक्षमता से जितनी भी कठिनाई बालकों को है, उन सभी को शामिल कर लिया गया है। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उसके बारे में विस्तृत से जानकारी लेते चलेंगे। देखिए पठन संबंधित अधिगम अक्षमता क्या है। पहला कह रहा है कि डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पे देखिए डिसग्राफिया जो होगा आपका यहाँ पे लिखने से होगा, ठीक है। डिसकैलकुलिया जो होगा आपका यहाँ पे गणना से होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को तो क्लियर कर दिया, लेकिन आप फंसेंगे किसमें, इसमें। डिस्प्रेक्सिया क्या होती है और डिसलेक्सिया क्या होती है, इनमें आपको कन्वर्ट करना है कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। जल्दी से बताइए, पहला सही होगा पठन संबंधित, दूसरा सही होगा डिस्प्रेक्सिया, तीसरा होगा यहाँ पे डिसलेक्सिया, और चौथा होगा हमारे यहाँ पे डिसकैलकुलिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जी, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा जी। इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे तीसरे के, ठीक है, डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया होता क्या है, देखिए डिसलेक्सिया जो होती है ये एक व्यापक शब्द है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पढ़ने के संबंधित में क्या होती है, बालक जो क्या करता है, ये किसी शब्द को उलट कर पढ़ देता है। जैसे क्या होता है कि बी को क्या करता है, डी पढ़ देता है, और साव को क्या करता है, वाज पढ़ देता है, ठीक है, वाज पढ़ देता है। इन सभी में क्या करता है, वो विभेद नहीं कर पाता है। तो ये पठन संबंधित उसके 2 आ जाएंगे, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का है एकदम राइट आंसर है, और साथ में एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए डिसग्राफिया संबंधित है, डिसग्राफिया संबंधित है, किससे संबंधित है, पहला कराए गणना संबंधित है, दूसरा कराए लेखन संबंधित है, तीसरा कराए गंभीर तनाव संबंधित समस्या है, और यहाँ पे चौथा कराए कि पठन संबंधित अधिगम अक्षमता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा दूसरे का जी, दूसरे का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। गणती देखिए आपका आएगा डिसकैलकुलिया, ठीक है, किससे आएगा, कैलकुलिया, कैलकुलिया से जाएगा। और यहाँ पे पठन से आप अभी 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 आप लोग पढ़े हैं, डिसलेक्सिया से जाएगा, किससे जाएगा, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया से जाएगा। और गंभीर तनाव डिसमोर्फिया क्या होगा, डिसथीमिया होगी, ठीक है, डिसथीमिया, डिसथीमिया से होगी। और यहाँ पे देखिए अब राइट आंसर जो आएगा हमारा यहाँ पे लिखने से, डिसग्राफिया से जाएगा, लेखन संबंधित समस्या, ठीक है जी, डिसग्राफिया। अब देखिए डिसग्राफिया होता क्या है, थोड़ा सा ये जान ले, डिसग्राफिया लिखने संबंधित समक यहाँ पे असक्ता को कहा जाता है। इसमें इसमें जो होता है, बच्चा या तो ठीक से पढ़ नहीं लिख नहीं पाता, या तो उसकी हैंड राइटिंग लिखावट जो थी ठीक नहीं होती। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि वो ठीक से लिख नहीं पाता, या तो एक क्या होता है, हाथ की हथेली या उंगलियों संबंधित जो गड़बड़ियाँ होती हैं ठीक से, या फिर एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, ये उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, इसके कारण वो लिख नहीं पाता है, ठीक है। तो ये उसके संबंधित होते हैं किससे, लेखन अक्षमता से होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। एकदम अच्छे से आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे और इससे बाहर तो आएगा नहीं। जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे उन सभी को शामिल कर लिया गया है। यहाँ पे देखिए तीसरा कराए गणना संबंधित अधिगम अक्षमता किससे, यहाँ पे कराया डिसग्राफिया से, डिस यहाँ पे प्रेक्सिया से, यहाँ पे कराया डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि गणना संबंधित। यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऊपर समझाते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग बस देखिए और प्रश्नों को सॉल्व कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आज का टारगेट आप लोगों का रहेगा 13+ रहेगा, याद रखिएगा 13+, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। गणना संबंधित अक्षमता है क्या है, डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, यहाँ पे डिसप्रेक्सिया है, डिसलेक्सिया है, या फिर डिसकैलकुलिया है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए गणना संबंधी। देखिए गणना क्या होती है, अंकों का गणना करना, ठीक है, ये राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए ये होता क्या है, ये एक ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अंकों को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, ठीक है। इसमें जो प्रश्न पढ़ने का जो अंक होता है उसे पढ़ने में क्या करते हैं, कठिनाई होती है। डिसकैलकुलिया कई प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, ग्राफिकल होते हैं,
डिसकैलकुलिया यानी गणना से संबंधित होते हैं, लेक्सिकल होते हैं, लेक्सिकल मतलब जोड़ घटाना होते हैं, ठीक है, या फिर आडियोनाटिक होते हैं, या डिसकैलकुलिया के संबंधित जो होता है आपका, या फिर वो बर्बल होता है, याद रखिएगा बर्बल डिसकैलकुलिया जो जोड़ घटाना गुणा भाग यानी हो सकता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देखते हैं, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया, यहाँ से प्रश्न आप लोगों का सीट में बना था, ठीक है, तो इसे गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा हमारा ये करा है, गंभीर तनाव की अवस्था है, डिस्प्रेक्सिया डिस, यहाँ पे करा है प्रोजेरिया, डिस्थीमिया, डिसग्राफिया, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, डिसग्राफिया, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि डिसग्राफिया जो आपका लिखने से जाएगा, लिखने से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बात क्या है, डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, डिस्प्रेक्सिया की बात किया है जो कि आपका होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो बात क्या है हमारा गंभीर तनाव की अवस्था है, तो ये जाएगा आपका डिस्थीमिया के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, डिस्थीमिया के साथ जाएगा जी, चौथे का राइट आंसर तीसरा होगा। अब डिस्थीमिया होता क्या, डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है, इसमें मनोविकार, याद रखिएगा मनोविकार प्रतिकूल प्रभाव, मतलब किसी के द्वारा दबाव आप पे मानसिक, जब क्या होता है डिस्थीमिया, देखिए कब होता है, जब या तो आपका एग्जाम होता है, ठीक है, जब आपका एग्जाम होता है तब होता है, या फिर किसी घरेलू कार्य के द्वारा आप चिंतित रहते हैं उसमें होता है, ठीक है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति को मरण स्थिति यानी चित्रवृत्ति, मतलब क्या होता है एकाग्रता, ठीक है, हमेशा निम्न रहती, मतलब सोचता रहता है हमेशा, ठीक है, डिस्थीमिया हमेशा तनाव की अवस्था में रहता है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा तीसरे से जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे देखते हैं, पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, अपने आप को दूसरे से सुंदर समझने, लंबा लंबा ताकतवर समझने की समस्या कहलाती है, क्या कहलाती है, बुलिमिया कहलाती है, प्रोजेरिया कहलाती है, यहाँ पे करा है डिमेंशिया कहलाती है, चौथा करा है क्या यहाँ पे डिसमोर्फिया कहलाती है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, डिसमोर्फिया क्या होती है एक बार ये भी जान लीजिए आप लोग, डिसमोर्फिया एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि वह उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण है, वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है, ठीक है, इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधगम पर पड़ता है यानी सीखने पर पड़ता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, इसका मतलब यह है कि अपने अंगों को देखता रहता है, ठीक है, यहाँ पे छोटा बड़ा तुलना करना रहता है, लेकिन यहाँ पे कहा है दूसरों से सुंदर समझना, वर्तुलाकार, ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का क्या जाएगा, देखिए पांचवें का जो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ ही जाएगा डिसमोर्फिया, ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा यहाँ पे डिसमोर्फिया, ठीक है। अभी आप लोगों को बताया दूसरों से सुंदर समझना, अपने को छोटा बड़ा समझना, लंबा ताकतवर समझना, ये राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे देखते हैं, छठा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधित समस्या यानी अधिक खाते रहना, ठीक है, अधिक खाते रहना भोजन संबंधित ग्रहण, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है बुलेमिया होगा, प्रोजेरिया होगा, डिसमेंशिया होगा, डिसमोर्फिया होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या जाएगा जी, राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी से बताइए जी, राइट आंसर यहाँ पे जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा छठे का हमारा यहाँ पे पहले एक साथ जाएगा, ठीक है, बुलेमिया, इसमें क्या होता है व्यक्ति अधिक खाता रहता है, मोटा रहता है, ठीक है, मोटा जो व्यक्ति होते हैं अधिकतर खाते रहते हैं, अधिकतर खाते रहते हैं भले ही गले तक क्यों ना खा लें, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, पहले एक साथ जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे देखते हैं, सातवां यहाँ पे क्या करा है, और इसी बात पर एक बार क्या करिए लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, आज के प्रश्न जो चल रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाइक तो जरूर करें, ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग, सभी लोगों से कर रहे हैं, और शेयर भी कर दीजिएगा लास्ट में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक एक लोगों को जरूर जोड़िए। यहाँ पे देखिए क्या करा है सातवां कि प्रोजेरिया क्या है, प्रोजेरिया क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रोजेरिया है क्या, यहाँ पे देखिए पहला क्या करा है कि पढ़ने की अक्षमता, दूसरा तर्क करने में कर न पाने में अक्षमता, चौथा करा है भाषा संप्रेषण में कठिनाई संबंधी समस्या, चौथा करा है कि कम आयु में वृद्ध लगना, कम आयु में वृद्ध लगना, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रोजेरिया जो होती है आपकी क्या होती है कि जो शरीर की जो त्वचा होती है, इसे देखिए शरीर की त्वचा जो होती है यहाँ पे, जो शरीर की त्वचा जो होती है इस पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, क्या आती हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, ठीक है, जैसे क्या होती है झुर्रियाँ आ जाती हैं, ठीक है, झुर्रियाँ आ जाती हैं हमारे उसके जो शरीर होता है उसमें, जैसे लगता है कि आपके त्वचा जो है एकदम ढीले पड़ गए हैं, तो इससे प्रोजेरिया कहा जाता है, लेकिन ये होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा कम आयु में वृद्ध दिखना, ठीक है, प्रोजेरिया के अंतर्गत आता है, इसमें क्या होती है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं शरीर पर, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे देखते हैं, आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, आठवां प्रश्न देखिए ये करा है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि तर्क न कर पाना, असमर्थ शक्ति कमजोर होना, ये क्या है, बुलेमिया है, डिस्प्रेक्सिया है, यहाँ पे डिमेंशिया है, या फिर करा है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया तो आप समझ ही गए हैं लिखने से होगा, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी से बताइए हमारा राइट आंसर, यहाँ पे तीनों में से तर्क करना है आपको कि कौन सा होगा, तर्क न कर पाना, ठीक है, शक्ति स्मरण करना है यानी कमजोर होना यहाँ पे शक्ति का, ठीक है, आप याद न कर पाना, तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का क्या जाएगा जी, आठवें कराए तो आंसर जाएगा यहाँ पे डिमेंशिया,
इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है तर्क नहीं कर पाता है, वितर्क नहीं कर पाता है, सोच नहीं सकता, जल्दी क्या करता है भूल जाता है, किसी चीज को सीखता है और तुरंत भूल जाता है, 2-4-5 मिनट याद रहता है, ठीक है, 2-4-5-10 मिनट याद रहता है, फिर इसके बाद क्या करता है वो भूल जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरे एक्सर जाएगा, डिमेंशिया के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न ये करा है मौखिक रूप से यहाँ पे सीखने की अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, यानी क्या होता है कि जब बोलकर आप पढ़ते हैं तो वो क्या होता है कि आप ठीक से सीख नहीं पाते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, पहला करा है कि अफेजिया, यहाँ पे करा है कि प्रोजेरिया, यहाँ पे तीसरा करा है कि डिस्प्रेक्सिया, चौथा करा है कि डिस्कैलकुलिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी से, अफेजिया क्या होता है थोड़ा सा ये जान लीजिए आप लोग जी, यहाँ पे अफेजिया होता क्या है पहले आंसर बता दीजिए, फिर इसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे, सभी के बारे में भी चर्चा होगी, पहले उससे पहले बताइए कि मौखिक रूप से लिखने यहाँ पे सीखने की क्षमता क्या होती है, ठीक है, क्षमता अफेजिया के अंतर्गत आएगी, प्रोजेरिया के, डिस्प्रेक्सिया के, डिस्कैलकुलिया के। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जिसका राइट आंसर जाएगा पहले किसका जाएगा, और बात करेंगे इसके बारे में कि अफेजिया होता क्या है। देखिए भाषा एवं संप्रेषण अधिगम आवश्यकता को अफेजिया कहा जाता है, इसमें पीड़ित छात्र जो होता है मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई प्राप्त करता है, अनुभव करता है, सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण उत्पन्न होता है, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में वो आंशिक रूप से पूर्णता होता है, अक्षमता होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा क्या होगा हमारा, यहाँ पर पहला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देखते हैं 10वां हमारा क्या कहा। देखिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है सीटेट में, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गतित कौशल अक्षमता है, ठीक है, टेट में पूछा जा चुका है और सीटेट में भी। यहाँ पे कह रहा है कि गतिक में होता है तेजी से चलना, ठीक है, कौशल में अक्षमता, अफेजिया, प्रोजेरिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी से बताइए, किसका राइट आंसर 10वें का हमारा क्या होगा जी, राइट आंसर जल्दी से बताइए यहाँ पे जी, इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत जाएगा। गति कौशल क्या होती है कि धीमे ने आप पढ़ने की जो गति होती है आपकी, अधिगम सीखने की कमी जो होती है ये आपकी धीमी होती है, कम होती है, सामान्य बालकों से आपकी कम होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11 का क्या कर रहा है। जब किसी, यहाँ पे कर रहा है कि जब हम किसी नई बात को सिखाते हैं तब हम सिखाने में लगातार उन्नति नहीं करते, सीखने की गति कभी धीमी और कभी तेज होती है, लेकिन जब सीखने में उन्नति बिल्कुल रुक जाती है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। पहला कर रहा है अधिगम अंतरण, यहाँ पे कर रहा है डिस्प्रेक्सिया, और यहाँ पे कर रहा है हमारा शून्य अंतरण, और चौथा कर रहा है कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 11 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए जी, राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे दूसरा हमारा सही होगा, ठीक है, डिस्प्रेक्सिया, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, और कल के उत्तर भी आप लोगों के लिए रखे गए हैं, ठीक है, कल के उत्तर आप लोगों के रखे गए हैं, और अपना देख लीजिएगा उत्तर कितने लोगों का सही होता है, और आज का अपना जो स्कोर है, ठीक है, उसको बताइएगा कि आज आप लोग 15 में से कितना कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 12 का ये कह रहा है कि ये कथन किसका है, किस सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होता है, स्कीनर, रास, नन या फिर रूसो। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी बताइए, 12 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या जाएगा जी, ये कहा है किसने, रास ने कहा है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो गति है उसे बनाए रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 13 का बात करेंगे कि ये कहा है सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था तक पर पहुंच जाता है और दूसरे को प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश का यानी दूसरों में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे पीटरसन ने कहा है, स्टाउल ने कहा है, यहाँ पे सोरेनसन ने कहा है, रेक्स और नाइट ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जल्दी बताइए कि 13 का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए ये किसने कहा है, तो ये जाएगा आपका यहाँ पे 13 का चौथे के साथ जाएगा कि सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था तक पहुँचा, यानी जब तक आप उस अवस्था तक नहीं पहुँच जाते तब तक आप सीख नहीं सकते, आपकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं हो सकती कि आप सीख सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगी चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे, देखिए 14 का ये करा है हमारा कि कथन है सीखने की अवधि में पठार यहाँ पे साधारणतः कुछ दिनों तक, सब यहाँ पे सप्ताहों में कुछ महीनों तक रहता है, यानी जब आप सीखते हैं तो वो क्या रहता है, कुछ दिन तक रहता है, कुछ सप्ताह तक रहता है, कुछ महीने तक रहता है, ठीक है। तो ये किसने कहा है, पीटरसन ने, स्टाउन ने, सोरेंस ने, रेक्स एंड नाइट ने। देखिए प्रश्न दूसरा है लेकिन ऑप्शन वही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 14 का हमारा जल्दी बताइए, 14 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे सोरेंसर के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे, देखते हैं 15 कितने लोगों का सही था। ये प्रश्न आप लोगों के लिए रखे गए हैं कि पठार के कारण है, पठार के कारण क्या होता है, जब आप सीखने में गति आपकी रुक जाती है, जब सीखते हैं अधिगम करते हैं, अधिगम
के दौरान क्या होता है, जब अधिगम के दौरान आपकी जो आपकी सीखने की गति है ठीक है वो रुक जाता है, वो पठार बन जाता है ठीक है। तो ये कौन सा है ठीक है, कारण क्या है? पहला कारण सीखने की उचित विधि, कार्य की जटिलता, थकान, रुचि या फिर समय। तो राइट आंसर क्या जाएगा, पहला कारण कि केवल एक होगा, दूसरा कारण कि एक दो तीन होगा, तीसरा कारण कि दो तीन चार पाँच होगा, चौथा कारण कि सभी होंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, कहाँ देंगे कमेंट बॉक्स में देंगे ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे यहाँ पे 15 का कि पठार के कारण क्या है ठीक है। पहला केवल एक सही होगा, दो तीन होगा या फिर दो तीन चार पाँच होगा या फिर सभी होंगे, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग और बताइएगा कि 15 में से आप लोगों ने कितना सही किया है ठीक है, 15 में से कितना सही किया है। तो आज की क्लास कैसी लगी, अधिगम क्षमता से सभी प्रश्न शामिल कर खत्म कर दिए गए हैं। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करिएगा ठीक है, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सीट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आज आप लोगों की क्लास चली है, तो बता दें कल के जो आपके उत्तर थे उसे बता दे रहे हैं कि कितने लोगों का सही हुआ है, अपना मिला लीजिएगा कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 150 होगी, 160 होगी, 140 होगी, 135 होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे जो गया था 160 गया था ठीक है, क्या कर रहा था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 कर रहा था ठीक है, यही करना था और आप कर सकते थे। कितनी है उसकी, यहाँ पे 5 वर्ष है और इसकी कितना है, 8 वर्ष है, और क्या करना था, 100 करना था ठीक है, गुणे 100 करना था। तो यहाँ पे कर सकते थे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ठीक है। तो राइट आंसर जो आया था हमारा यहाँ पे 160 आया था और अपना कर देख लीजिएगा और बता दें नीचे उत्तर दिए गए हैं ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कि पठार के कारण हो सकते हैं, एक पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अपनी राय भी बताइएगा कि अगली क्लास किस पर चलाई जाए। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।